सर आपने जो जो खास इंतजाम कहा था करने के लिए वो सब हमने कर दिया। आइए सर देख लीजिए, ये सब है सर, वहां से यहां तक मैंने सजा दिया है। ओके थैंक यू सर। रणवीर सभी अरेंजमेंट्स हो गए पर साधना अभी तक नहीं है, वो आएगी ना रणवीर? भैया भाभी जरूर आएंगी। पता नहीं रणवीर, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं उसके ऑफिस में लेटर भी छोड़ के आया। ओ, तो आप भाभी के ऑफिस में लेटर छोड़ के आए हैं? हाँ, क्यों लेटर से नहीं मानेगी वो? भैया प्लीज डोंट वरी, उल्टा भाभी को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनके लिए लेटर लिखा। भाभी पक्का आएंगी, पर हाँ अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि भाभी ऑफिस से निकली है नहीं। हाँ रणवीर मुझे इन्फॉर्म करो। नहीं तुम मुझे इन्फॉर्म मत करना, मुझे इंतजार करने दो। बाय। ठीक है। हेलो हेलो, क्या मैं साधना जी से बात कर सकता हूँ? साधना जी तो दो तीन दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। ओके साधना भाभी ऑफिस में गई तो फिर है कहाँ? चल बेटा मालती शुरू हो जा, यही मौका है साधना से सब कुछ उगलवाने का, फिर दिखाती हूँ उस अवनी की बच्ची को। साधना ये क्या हाल बना रखा है तूने? कितनी थक गई है, मुझे पता है कि माजी की इस टेंशन में तूने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। चल बता क्या बनाऊं मैं तेरे लिए? तुझे मैं चिल्ले डाल दूं टमाटर के? अच्छा छोड़, तो सबसे पहले ना चाय पी, मैंने तेरे लिए बनाई अदरक डाल के खा। अच्छा एक बात तो बता कि तूने 5 लाख रुपयों का इंतजाम किया कहां से? अब क्या कहूं भाभी से, सच बता भी नहीं सकती किसी को। ओहो ये मुन्ना क्यों रो रहा है? तू रुका मैं अभी आती हूँ। हेलो साधना भाभी, मैं कब से आपका फोन लगा रहा था, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? वो बैटरी। अच्छा अच्छा भाभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्या कोई आदमी था साइट पे जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा? हाँ पर भाभी सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया है और आलेख भी उसे सबक सिखाने के लिए गए हैं। भाभी भैया बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या कर बैठे। हे भगवान आपने उन्हें जाने क्यों दिया? अब भाभी मैं क्या करता, भैया मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। भाभी मैं निकलता हूँ लेकिन उससे पहले आप पहुंचिए वहां पे और सब कुछ संभालने की कोशिश कीजिए प्लीज। चलिए आप एड्रेस नोट कीजिए। हाँ एक मिनट बोलिए। सॉरी मैम, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा लेकिन आलेख भैया का आपसे मिलना बहुत जरूरी है और अगर मैं सच कहता तो आप कभी जाती? आलेख साधना से मिलने गया है? ओह गॉड, तभी वो इतनी जल्दी निकल गया। आज आलेख बाबा बड़े खुश नजर आ रहे थे, मुझे फूल सजाने को बोल गए। हाँ अगर वो तो चला गया, फॉर्मल चेंज काफी अच्छे मूड में लग रहा था आज। नहीं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, आलेख साधना को यहाँ वापस नहीं लाएगा। और कितनी देर लगेगी?
जल्दी चलिए। तुम कहो साधना, भी जल्दी आओ। तक जाए नजर आए तुम वहां, तुम ही हो मेरे दोनों जहां, तुम ही हो मेरे दोनों जहां। I'm sorry, Sadhna. कितनी तकलीफ दी है ना मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर दो। इससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा, ना तो यहाँ पे पवित्र अग्नि और ना ही मंत्र की गूंज, पर भगवान तो हर जगह समाये हुए हैं ना, उनको साक्षी मानकर हम आत्मा की गहराई से ये वचन लेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे बंधन को नहीं तोड़ सकेगी। वचन दीजिए आलिक जी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा साधना। वचन दीजिए आलिक जी कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी हो जाए हम उसे मिलके सुलझाएंगे। मैं वचन देता हूँ साधना। वचन दीजिए आलिक जी कि चाहे सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी आप मुझसे मुंह कभी नहीं मोड़ेंगे। अगर तुम नहीं हो तो ये दुनिया कुछ नहीं है मेरे लिए साधना। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता। वचन दीजिए आलिक जी कि लोगों के झूठ में आके आप मेरे सच को कभी नहीं बुलाएंगे। कभी नहीं साधना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो तुम हो साधना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
शायद इनसे अपने दिल की बात कहना मुश्किल हो रहा है। Excuse me. जी माँ। अलेक, तुम अभी इसी वक्त घर चले आओ। क्यों माँ, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? हाँ, वो कुछ बहुत गलत हो गया है, बुरी खबर है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके माँ। मलिका जी, माँ का फोन था, घर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा। दामाद जी, कहीं जा रहे हैं क्या? अभी आपकी अपनी तबीयत भी पूरी तरह संभली नहीं है, रात भर सोए भी नहीं, कुछ देर और आराम कर लेते। माँ जी, मन कहीं और अटका हो तो मैं आराम कैसे कर पाऊंगा? कल रात तो साधना ने जबरदस्ती भेज दिया हॉस्पिटल से घर, लेकिन ऐसे वक्त में अगर मैं कौशल्या जी के पास नहीं होऊंगा तो मुझे चैन कहां से मिलेगा? मैं चलता हूं। भगवान, अब रागनी जरूर कौशल्या जी के बारे में पूछेगी। रागनी बिटिया, बधाई हो, तू जीत गई ना, वीनू ने हमें बताया। सुन के हम सब इतना खुश हुए कि क्या बताऊं। वो सब तो ठीक है रानी माँ, लेकिन मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। आप लोगों में से कोई भी नटराज उत्सव में मेरा डांस देखने के लिए नहीं आया। चलो कोई बात नहीं आया, लेकिन कम से कम जब पता चला था एक फोन तो कर लिया होता ना। वो क्या बात है बेटा। नानी माँ, वीनू भैया ने रणवीर को बताया था, लेकिन अगर रणवीर खुद से फोन नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है? आप लोग तो बस ऐसे ही खड़े रहोगे। कोई बात नहीं, मैं माँ से पूछ लेती हूँ, और वैसे भी मैं तरस गई हूँ उनसे बात करने के लिए। रुक जा बेटा। बेटा, हॉस्पिटल में और कोई नहीं, कौशल्या जी एडमिट है। कल रात को उनका एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। माँ, इतना क्या इंपॉर्टेंट काम था? क्या वो थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकता था? नहीं अलेक। क्या हुआ माँ? अलेक, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। साधना कभी भी पहुंच सकती है वहां। माँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। आप बताइए ना क्या काम है। I'm sorry, अलेक। हमारे कारण तुम्हें इस तकलीफ के दौर से गुजरना होगा, लेकिन हम ये सब तुम्हारी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ये क्या है माँ?
इन पेपर्स को देखते ही हमें भी बहुत बुरा लगा। हम मानते हैं कि पहले हम यही चाहते थे, लेकिन जब हमने देखा कि डिवोर्स की बात छेड़ते ही तुम कितने दुखी हो गए, तो हमने बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन अब देख लो, साधना ने खुद साइन करके ये पेपर्स भिजवा दिए हैं। अरे, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच हम तुमसे छुपा भी तो नहीं सकते। हालिक, तुम हमेशा साधना की सादगी से धोखा खाते आए हो, लेकिन उसकी असलियत तो ये है तुम्हारे सामने। लेकिन तुम्हारा भी क्या दोष है? कल उसने अपनी बहन के साथ क्या किया तुमने देखा ना? रागनी के मुकाबले आकर खड़ी हो गई। अगर रागनी हार जाती तो हमेशा के लिए टूट जाती वो, और अब वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। भगवान, आलिक जी कहाँ होंगे? कहीं गुस्से में वो ऐसा वैसा ना कर बैठे। साधना, मैम, तुम यहां क्या कर रही हो? वो आलेख जी, आलेख जी तो अभी भी यहां से चले गए। क्या वो चले गए? हाँ, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? मैम मैं यहां किसी और काम से आई थी। तभी किसी ने बताया कि आलेख जी भी यहीं कहीं आए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं उन्हें थैंक्स कह दूं, क्योंकि उस दिन जब किसी ने मुझ पे हमला किया था तब कितनी चिंता कर रहे थे वो मेरी सिक्योरिटी की। बस उसी लिए वो हैं ही ऐसे, कभी कभी तो हमें भी चौंका देते हैं। अब देखो ना, तुम जैसी अजनबी स्टाफ की भी कितनी फिक्र है उन्हें। He is so caring and kind. पता है साधना, उन्होंने हमें यहाँ खुद बुलाया था क्योंकि वो हमसे कुछ कहना चाहते थे। भाभी, सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिए और आलेख भी उसे सबक सिखाने के लिए गए हैं। भैया बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या कर बैठे। इसका मतलब रणवीर जी ने मुझसे झूठ कहा था ताकि मैं यहाँ आकर आलेख जी से मिलूं। इनफैक्ट हमने भी डिसाइड कर लिया था कि आज हम उनसे अपनी दिल की बात कह के ही रहेंगे, मगर अचानक उनका कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया और उन्हें जाना पड़ा। एक तरह से अच्छा ही हुआ साधना कि वो चले गए। हमें तो बहुत डर लग रहा था, क्या कहें, कैसे कहें। पता है साधना, उन्होंने तो हमें ये नोट भी भिजवाया था। मतलब आलेख जी भी सच में मनिका जी की तरह ही सोचते हैं। हमने आले के लिए कैसी जीवन साथी ढूंढ ली है
बच्चे उसकी जिंदगी में वो हर खुशी ले आएगी जो तुम उसे नहीं दे सकते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।